हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉप का डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस टॉप के डिज़ाइन को बनाने के लिए आपका कितना कपड़ा यूज़ होने वाला है पहले ये जान लीजिए। इस टॉप को बनाने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर कपड़ा यूज़ होने वाला है और इसमें आपको किसी भी मैचिंग कपड़े की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक ही कलर में बहुत ही खूबसूरत टॉप आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 पीस अलग अलग कर लिए हैं। जैसे कि एक पीस हमने किया है 30x30 इंच का, मतलब कि हर तरफ से इसकी लंबाई और चौड़ाई 30x30 इंच की कर ली है। इसके बाद हमने 2 पीस किए हैं जिसमें हम अपना बैक और फ्रंट अलग अलग काटेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं बैक और फ्रंट किस तरीके से काटेंगे और किस तरीके से इसका कपड़ा बिछाएंगे। तो अब हम इनमें से दोनों कपड़ों को बारी बारी बिछा लेते हैं। इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में अच्छी तरीके से बिछा लेंगे और इस पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा देंगे यहाँ पर क्रीज बनाकर। अब इसके ऊपर ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले कपड़े को भी बिछा देंगे सेम तरीके से प्रेस लगाकर। तो ये हमने अपनी प्रेस कर ली है। इसके बाद हम अपने टॉप की मार्किंग करेंगे। टॉप की मार्किंग करने के लिए पहले आपको यहाँ से अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना होगा और सीधा करने के बाद में आप लगाएंगे सबसे पहले अपने आर्म होल का निशान। दोस्तों, हमारा जो ये टॉप है वो है कट स्लीव। अगर आप कट स्लीव कुर्ती भी काटते हैं या कुछ भी काटते हैं तो आपको अपने आर्म होल का जो निशान लगाना होगा वो लगाना होगा 6 इंच पर। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना 6 इंच पर मार्क लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे अपनी कमर का निशान। दोस्तों, हमारी जो कमर का निशान आएगा वो आएगा 14 इंच पर। इसके बाद हम लगाएंगे अपने टॉप की लंबाई का निशान। तो दोस्तों, हमारे टॉप की जो लंबाई तैयार है वो है 23 इंच, मतलब कि 23 इंच। तो 23 इंच के लगाने के लिए हम यहाँ पर 23.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। आधा इंच निशान जो लगाया एक्स्ट्रा हमने वो हमारा मार्जिन हो गया और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं 1 इंच हमारा फोल्ड करने के लिए मार्जिन भी बच गया है। अब हम अपने सारे निशानों को सीधा कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों लगाएंगे हम अपने शोल्डर का निशान, मतलब कि तीरे का निशान। तो यहाँ पर हमने जो अपना शोल्डर रखा है वो रखा है 12 इंच, यानी कि 12 इंच। अगर आपका शोल्डर चाहे कितना भी हो, आपको क्या करना है, आपको अपने शोल्डर का आधा भाग करना है। मतलब कि हमारा यहाँ पर 12 है तो 12 का हम करेंगे हाफ, 6 इंच, मतलब कि 6 इंच। तो यहाँ पर हम अपना 6 इंच पर मार्क लगा देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे अपने चेस्ट का मार्क। तो दोस्तों, हमारी जो चेस्ट है यहाँ पर 35 इंच है, मतलब कि 35 इंच। इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे लूजिंग। तो 3 इंच ऐड करने के बाद में हो जाएगा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 9.5, यानी कि 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क लगा देंगे। ऐसे ही आपको भी करना होगा। तो ये हमने अपना निशान लगा दिए हैं। आपका साइज़ चाहे कुछ भी हो, आपको अपना टॉप इसी तरीके से काटना होगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अपना शोल्डर 6 इंच पर लगाया आधा करके, मतलब 12 का आधा करके 6 इंच पर मार्क लगाया, नीचे की तरफ आपको एक मार्क और लगाना होगा आधा इंच घटाकर, मतलब कि 5.5 पर। अब आप इस निशान से इस निशान को क्रॉस करते हुए मिला देंगे। तो ये हमने अपना मार्क लगा दिया है। इसके बाद आपको यहाँ से एक सेफ देनी होगी कुछ इस प्रकार से। ये हमने अपनी सेफ दे दी है। अब इसके बाद आपको लगाना होगा अपनी कमर की फिटिंग का निशान। तो कैसे लगाएंगे, हमारी जो कमर है यहाँ पर है 27 इंच, मतलब कि 27 इंच। 27 इंच में आप 3 इंच ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर होगा 7.5 इंच, मतलब कि 7.5 इंच। इस निशान से इस निशान को क्रॉस करते हुए मिला देंगे। अब इसके बाद बारी आती है आपकी हिप की। जितनी भी आपकी टॉप की लंबाई हो वहाँ पर ही आपको अपनी हिप की गोलाई नाप लेनी है और नाप लेने के बाद 4 से डिवाइड करते हुए 1 इंच ऐड कर देना है। तो हमारी जो यहाँ पर हिप तैयार है वो है 37 इंच। 37 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे तो होगा 38 इंच। 38 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 9.5। अब हम इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग का मार्क लग गया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेना है। तो 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम कटिंग करते वक्त ले लेंगे। अब हम जो कटिंग करेंगे दोस्तों, इसमें आप ध्यान से देखना क्या करेंगे, नीचे वाले कपड़े को अभी नहीं काटेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले कपड़े में हमने जो गोलाई का मार्क लगाया है इस पर सेम कटिंग करेंगे।
ये हमने पीस हटा दिया है। अब देखिए हमारा फ्रंट का आर्मोल इस तरीके से कट गया है। अब आप बैक का आर्मोल किस प्रकार से काटेंगे ध्यान से देखना। ऊपर से यहाँ से मार्क लगाते हुए इस तरीके से आपको सेफ देनी होगी यहाँ पर। ये देखिए इतना ही कपड़ा आपको छोड़ना होगा, आधा इंच ऊपर से कम, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम एक एक इंच का मार्जिन लेते हुए अपने पूरे टॉप की कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप की जो कटिंग है वो हो गई है। इसके बाद हम इसमें एक डिज़ाइन काटने के लिए हमने जो 30x30 इंच का आपको कपड़ा बताया था उसको फोल्ड करना और काटना बताएंगे। तो दोस्तों अब हम अपने 30x30 इंच के कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करेंगे और किस तरीके से इसमें डिज़ाइन काटेंगे ये चीज़ आप बिल्कुल बारीकी से देखना। तो पहले हम अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में ये वाले हिस्से को हम इसके ऊपर पलटकर एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉर्नर आ गया है बनकर और ये चारों कोने आपके खुले हुए वाले इस साइड पर आ गए हैं। इसके बाद इसमें हम अपनी जो मार्किंग करेंगे वो ध्यान से देखना, बहुत ही बारीकी से आपको नोट करनी है। एक बार इस पर हम अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेते हैं जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हिले। प्रेस लगाने के बाद में दोस्तों हम अपने डिज़ाइन की जो मार्किंग करेंगे वो अपने इस वाले कॉर्नर से करेंगे। इसके लिए हमने अपने टॉप का जो शोल्डर रखा था वो रखा था 12 इंच, तो यहाँ पर हम मार्किंग करने के लिए 12 इंच का हाफ करेंगे, मतलब कि 6 इंच। आपका भी शोल्डर कितना हो आप उसका हाफ करके इस कॉर्नर से मार्किंग करेंगे जैसे हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना 6 इंच पर इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपने डिज़ाइन के लिए जितना भी एक्स्ट्रा फॉल चाहिए आप कपड़ा रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना 8 इंच रखेंगे, 8 इंच मतलब कि 8 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ से तैयार लंबाई नापेंगे हमारी कितनी आई है। तो देखिए यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई 14 इंच आई है। अब हमें यहाँ से अपने इंची टेप को बिल्कुल भी कस के पकड़ लेना है, मतलब हटने नहीं देना है। तो अब हम धीरे धीरे इस तरीके से गोलाई में मार्क लगाएंगे इंची टेप को यहाँ पकड़ते हुए। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम अपनी सारी मार्किंग को एक दूसरे से गोलाई में मिला देंगे और मिलाने के बाद हम बिल्कुल सेम मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे अपनी। तो दोस्तों देखिए यहां पर हमारी ये कटिंग हो गई है और कटिंग करने के बाद में हमारा जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से कट के आपके सामने आ गया है, बिल्कुल गोल आकार में। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी पूरी गोलाई पर पीको कर लेंगे सेम कलर के धागे से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने कपड़े की गोलाई पर पीको कर ली है। इसके बाद दोस्तों आपको हमारे पैटर्न में 4 लाइनें नजर आ रही होंगी। इन चारों लाइनों का एक 20 सेंटर का पॉइंट है, तो इस 20 सेंटर के पॉइंट पर आप एक निशान इस तरीके से लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन चारों लाइनों में से एक लाइन ले लेनी है कोई सी भी नेक की मार्किंग करने के लिए। तो नेक की मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पर अपनी ये वाली लाइन को यूज़ करेंगे। अब इस मार्क से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, मतलब कि 6 इंच ब्रॉड का एक निशान लगाएंगे पूरा तैयार, जो कि हमारे नेक की ब्रॉडनेस रहेगी। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी ब्रॉडनेस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे नेक की जो लंबाई रहेगी वो तैयार रहेगी 7 इंच। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा 7 इंच इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब 7 इंच का हमने यहाँ पर मार्क लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से हम अपनी एक शेप देंगे वी शेप, देखिए कुछ इस तरीके से। अब ऐसा ही एक सेम निशान हमें दूसरी साइड पर भी चाहिए, तो इसके लिए हम अपने ये वाले कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे जिससे हमारा निशान दूसरी तरफ छप जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो निशान है वो इस तरीके से छप गया है, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब बारी आती है पीछे के नेक की, मतलब कि बैक वाले नेक की। तो बैक का नेक हम सीधा सीधा लगाएंगे 4 इंच पर, अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम यहाँ से भी अपने नेक की पीछे वाले की सेव दे देंगे इस तरीके से, ये देखिए इसको भी हम इस तरह फोल्ड करके छाप देंगे दूसरी तरफ। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे नेक की मार्किंग हो गई है, इसको भी हम थोड़ा डार्क कर देते हैं।
अब चलिए मशीन पर हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस टॉप को बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टिचिंग में क्या करेंगे, अपने टॉप की शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर जोड़ने के लिए हम सबसे पहले अपने फ्रंट वाले भाग को इस तरीके से खोलेंगे। देखिए हमारे फ्रंट वाले भाग का सीधा भाग ऊपर की तरफ है और बैक वाले भाग का जो सीधा भाग होगा वो नीचे की तरफ होगा, मतलब कि ये। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसको मिलाएंगे शोल्डर से, शोल्डर बढ़िया तरीके से, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सीधा जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में इसको हम खोलेंगे और खोलने के बाद में देखिए इसका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आर्मोल में एक और पट्टी अटैच करनी है। तो ये हमारी और पट्टी है, ये आप आसानी से काट सकते हैं। हम इसको कैसे अटैच करेंगे, तो अपने टॉप को इस तरीके से उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में अपनी पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इसमें क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी गोलाई में अटैच करेंगे। पट्टी की चौड़ाई जो दोस्तों हमने ली है वो ली है 1.5 इंच। तो दोस्तों ये हमने अपनी पट्टी को गोलाई के साथ अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉप को इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में हम इसके ऊपर अपनी पट्टी को फोल्ड करेंगे। पहले हम देखिए यहाँ पर इस तरीके से इतना फोल्ड करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर चढ़ाते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किनारी की सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी को तैयार करेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से हम अपनी ये वाली पट्टी को अटैच कर रहे हैं उसी सेम तरीके से अपने दूसरे वाले आर्मोल पर भी लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ हमने अपने आर्मोल में बड़ी ही फिनिशिंग के साथ पट्टी को लगा लिया है। इसके बाद दोस्तों हम अपने टॉप में नेक को बनाएंगे। नेक को बनाने के लिए हम अपने टॉप को इस तरीके से उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में देखिए दोस्तों फ्रंट वाला पार्ट हमारी तरफ है और बैक वाला पार्ट आपकी तरफ है। अब हम इसमें नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए हम अपना वही वाला पैटर्न लेंगे जिसको हमने गोल करके काटा है और पी को बन करके बनाया है और नेक की मार्किंग की हुई है। तो ये नेक की मार्किंग जो हमने की थी, पहले हमने 20 सेंटर में एक पॉइंट का निशान लगाया था, ऐसे ही हम अपने टॉप में भी एक 20 सेंटर का मार्क लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है। अब हम अपने इस मार्क को और ये नेक के 20 सेंटर वाले मार्क को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है और मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने टॉप की सेंटर लाइन और अपने पैटर्न की सेंटर लाइन को बिल्कुल सही तरीके से मिला देना है और मिलाने के बाद में आपको एक कच्ची सिलाई लगानी है जिससे कि आपका पैटर्न इधर उधर हिले ना। और कच्ची सिलाई लगाने के बाद में आपके नेक की जो मार्किंग है उस पर सेम आपको बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों ये हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बीच का जो मार्जिन आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा सिलाई के अंदर जो है, इसको थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो पहले हम इस तरीके से 20 सेंटर में यहाँ पर एक इस तरीके से कट लगाएंगे जिसकी वजह से हम पूरे कपड़े को आसानी से काट सकते हैं। तो दोस्तों अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के साथ साथ हमने अपने नेक में छोटे छोटे नोचिस भी लगा दिए हैं। अब हम अपने गोल वाले पैटर्न को अंदर की तरफ पूरे को इस तरीके से इकट्ठा करके डालेंगे, इस तरीके से सीधी तरफ को टर्न करेंगे और हम अपने पूरे टॉप को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में हम फिनिशिंग के साथ अपने नेक पर प्रेस लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों प्रेस लगाने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसके बाद दोस्तों इस नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह की एक पट्टी बना लेंगे और बनाने के बाद में इसको कैसे अटैच करेंगे नेक के अंदर, ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट से 1.5 इंच मतलब कि 1+1/2 इंच का एक निशान इधर की तरफ लगा देना है। ऐसे ही एक निशान आपको इधर की तरफ भी लगा देना है 1+1/2 इंच पर मतलब कि 1.5 इंच पर। इस निशान से आपको अपनी पट्टी को इस तरीके से यहाँ पर रखना है, निशान से ऊपर की तरफ आप अपनी पट्टी को सेट करेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे नेक पर अपनी पट्टी को अटैच कर देंगे।
पट्टी अटैच करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का अपना बटन लगा देंगे, जिससे हमारे नेक की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद हम आपको बताते हैं अपने टॉप की फिटिंग कैसे लगाएंगे। अपनी टॉप की फिटिंग लगाने के लिए दोस्तों हम अपने पैटर्न को इस तरीके से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद में अपने टॉप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आर्मोल से आर्मोल को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में सेम मार्किंग जो हमने की हुई है इस पर सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, तैयार होने के बाद में हमारे टॉप का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। दोस्तों अगर आप इस टॉप को बनाते हैं तो लीजी वीजी कपड़े में या फिर जॉर्जेट के कपड़े में बनाएं तो इसका जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉप बनाने का डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये टॉप का डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रूफ फैशन पॉइंट के नाम से। वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फ़ोटो डालते रहते हैं, वहाँ से कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन आप अपने लिए चूज़ कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।